नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल SJ ट्रेडर्स में। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारा फ्लैट जोन आज के लिए था, कौन सा था, 37,480 और 37,650। इनके बीच में ओपन होता है तो मैंने बोला था बीच में ओपन होके ये डाउन की साइड में 37,480 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 37,400, दूसरा टारगेट मैंने दिया था 37,300 और तीसरा टारगेट मैंने दिया था बैंक निफ्टी में 37,150। तो आज की ओपनिंग उसकी हुई है सुबह में, कहाँ पे ओपनिंग हुई, 37,483 पे ओपनिंग हुई। जैसे ओपन हुआ वैसे ही उसने हमारा जो ये डाउन साइड पे जो मैंने लेवल दिया था उसको ब्रेक किया और तीनों टारगेट उसने अचीव कर लिया। और यहाँ पे आप चेक करोगे तो 37,000 उसका आज का लो मारा, 37,156 उसने आज लो मारा और यहीं पे उसने सपोर्ट लेके पूरा ऊपर खींच लिया। और ऊपर की साइड में मैंने आपको बोला था कि 37,650 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट मैंने अपसाइड में दिया था 37,800 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 37,900। तो दोनों तरफ हमारा टारगेट आज के लिए अचीव हो गया, पुट साइड में भी और कॉल साइड में भी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उस ट्रेंड लाइन पे उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है और उसने यहीं पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ गया। चलिए देखते हैं अब कल क्या हो सकता है। इसके लिए हमें पहले क्या करते हैं, फ्लैट जोन हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा फ्लैट जोन कल के लिए रहेगा, हम इसको आज निकाल लेते हैं। ओके, और ये जो पूरा लेवल है उसमें हम मॉडिफिकेशन कर लेंगे बाद में। चलो कल के लिए हमारा फ्लैट जोन रहेगा, उसका क्लोजिंग हुआ 37,685 के आसपास हुआ है। ओके, और ये 37,650। ओके फ्रेंड्स, कल के लिए हमारा फ्लैट जोन रहेगा 37,650 से लेके 37,800, 150 पॉइंट का ये हमारा फ्लैट जोन रहेगा। अगर कल यहीं पे ओपन होके डाउन की साइड में 37,650 ब्रेक करेगा, प्राइस लेबर ओके 37,650 ब्रेक करेगा तो उसका पहला तरह के डाउन की साइड में आएगा हमारा यही आएगा, कौन सा आएगा, 37,480। और अगर उसको भी ब्रेक करेगा डाउन के साइड में तो डाउन के साइड में टारगेट उसका आ सकता है, इसको मैं निकाल लेता हूँ अभी, और नीचे जा सकता है 37,300, ये भी निकल जाएगा आज, इसको भी निकाल लेता हूँ। फिलहाल मैं डाउन के साइड में आपको दो ही लेवल लेता हूँ आज, 37,480 यार 37,500 और दूसरा रहेगा हमारा 37,300। और अगर ऊपर की साइड में 37,080 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा अप साइड में 37,900, जो मैंने आज भी टारगेट दिया था आपको। और अगर उसको ब्रेक करेगा तो अपसाइड में दूसरा टारगेट हमारा आएगा निकल के ये वाला 38,000, उसको मैं पकड़ लेता हूँ, 38,000 ही पकड़ लेता हूँ अभी। ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे जा रही है, कहीं इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके 15-20 मिनट रुका तो उसका टारगेट बाद में टारगेट उसका आएगा, अल्टीमेट टारगेट उसका रहेगा 38,400। अभी वो देखते हैं कि यह कल आता है या परसों आता है, ये हम बाद में देखते हैं। कब देखना है उसको, जब हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा तब ही देखने का उसको। ओके, ये ट्रेंड लाइन को अभी यार निकाल लेता हूँ अभी, इसको भी ज़रूरत नहीं है अभी इस ट्रेंड लाइन की भी, तो ये भी निकल जाएगी आज। ओके, ये मैंने आपको लेवल दिए कल के लिए, आइए देखते हैं अब निफ्टी में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, निफ्टी में मैंने आपको जो लेवल दिए थे कल 5 मिनट की चार्ट में देखते हैं हम, मैंने आपको फ्लैट जोन दिया था ये वाला, कौन सा वाला, 70,250 से लेकर 70,300। और उसने आज ओपन ही ओपन हुआ उसका
70,209 पे। तो मैंने आपको पहला टारगेट दिया था ये ब्रेक करेगा 70,250। तो डाउन साइड में मैंने आपको बोला था कि 70,200 और दूसरा 70,150 मैंने आपको टारगेट दिया था डाउन की साइड में। अगर आप चेक करोगे तो उसने हमारा दोनों टारगेट पहले ही दो कैंडल में अचीव कर लिया, पहले एक ही कैंडल में उसने दोनों अचीव कर लिया और उसने आज का लो मारा 70,770 पे और वहाँ से बाउंस बैक लेके फिर से मारा, उसने कहाँ तक गया वो 70,350, यानी यहाँ से 70,050 से लेके 70,350 यानी 300 पॉइंट के करीब उसने रिकवर कर दिया। अब कल क्या हो सकता है आइए वो देख लेते हैं। अपसाइड में मैंने टारगेट दिया था आपको 70,300 निकलता है तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 70,350 और उसका हाई है आज 70,350, यानी अपसाइड का भी टारगेट उसने अचीव कर लिया और डाउन साइड का टारगेट भी उसने आज अचीव कर लिया। चलिए देखते हैं 15 मिनट में कल के लिए क्या हो सकता है निफ्टी में। निफ्टी में सबसे पहले तो मैं ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ से थ्रो किया है उसको मैं यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये सपोर्ट हो गया और अप साइड में इसको मैं थोड़ा अप साइड में ले लेता हूँ तो ये उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। ओके अभी कल के लिए हमें फ्लैट जोन ड्रॉ करना है तो मैं इसको निकाल लेता हूँ फ्लैट जोन को हमारा पुराने वाला रेक्टेंगल से बनाते हैं न्यू फ्लैट जोन। ये हमारा रहेगा फ्लैट जोन कहाँ से कहाँ तक रहेगा 180 से लेके 245। ओके सही है ये हमारा कल के लिए फ्लैट जोन रहेगा फ्रेंड्स। ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ अभी प्राइस लेवल लगा लेता हूँ 70,180 और अपसाइड पर रहेगा 70,250। अगर निफ्टी कल इसी जोन में ओपन होती है और डाउन के साइड में 70,180 ब्रेक करेगी राउंड फिगर कर देता हूँ मैं उसको यहाँ पे 180 ब्रेक करेगा निफ्टी कल तो उसका पहला डाउन के साइड में आएगा टारगेट 70,120 से लेके 130 डाउन के साइड में पहला टारगेट। ओके और दूसरा टारगेट आएगा उसका डाउन के साइड में आज का लो 70,080 ये टारगेट मैंने लिया आपको डाउन के साइड में। और अप साइड में हम चेक करेंगे फ्रेंड्स कि 70,250 निकलता है तो उसका पहला टारगेट आएगा अप साइड में 70,300 और ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ से गुजर रही है तो इस पर भी हमें वॉच रखना है। हो सकता है आज की तरह ये ट्रेंड लाइन का रजिस्टर लेके फिर से नीचे आए या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो उसका सेकंड टारगेट आएगा अपसाइड में 70,360 और तीसरा टारगेट भी लेता हूँ आपको 70,400। ये हो गया हमारा निफ्टी का। थैंक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करके हमें ट्रेड करना है। ओके फ्रेंड्स ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह मशवरा ज़रूर लें। अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है आप उससे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।